अस्सलाम वालेकुम। जो प्रीवियस टॉपिक थे उसमें हमने ये देखा था कि जो अम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें जो सैंपल होता है वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि एपिटोप रिट्रीवल क्या चीज है, ठीक है, और इसमें होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू को छोटे छोटे सेक्शन में कट कर देते हैं। फिर जो सेक्शन होते हैं उनको हम स्लाइड के ऊपर प्लेस कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एपिटोप रिट्रीवल। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, जो होंगे पैराफिन बैग्स वाले, पैराफिन वैक्स एम्बेडेड जो होंगे टिश्यू, क्योंकि मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं टिश्यू, एक पैराफिन वैक्स होता है और दूसरा होता है फ्रोजन सेक्शन। जो होंगे पैराफिन वैक्स वाले उनमें से हम सेक्शनिंग के बाद, यानी कि हम अब हमारा काम हो गया है, पैराफिन वैक्स हमने किस लिए इंसर्ट की थी इनसाइड, ताकि उनकी सेक्शनिंग ईजिली हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से पैराफिन वैक्स निकाल देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं डी पैराफिनाइजेशन। जब हमने वैक्स निकाल ली, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एपिटोप रिट्रीवल। अब इस स्टेप की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम फिक्सेशन कर रहे होते हैं टिश्यू की विद फॉर्मल्डिहाइड, यानी फिक्सेशन हम करते हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो उससे क्या होता है कि वहां पे जो एंटीजन होते हैं उनमें क्या होता है, मिथाइलिन ब्रिज फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। मिथाइलिन ब्रिज से क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये है एक नॉर्मल टिश्यू और ये वो टिश्यू है जिसमें एक मिथाइलिन ब्रिज बना है, ठीक है। इसमें देखें तो यहाँ पे जो एंटीजन है वो क्या है, ये एक प्रोटीन है, इसे हम कहेंगे अनरिलेटेड प्रोटीन, इसको हम कहेंगे अनरिलेटेड प्रोटीन। इसमें देखें इसके साथ कोई इसका लिंक नहीं है, इस वजह से क्या हुआ कि यहां पे जो एंटीजन है उसकी जो शेप और स्ट्रक्चर हो गई और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो प्रिजर्व है, सेम है। इस वजह से क्या हुआ कि जो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट होगी वो उधर आके अटैच हो जाएगी इस एंटीजन के साथ। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इसमें देखें कि यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो टिश्यू था इसको हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिक्स किया है, तो उससे क्या हुआ कि ये जो अनरिलेटेड प्रोटीन थी इसमें देखें कि इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे देखें इसने इसके साथ एक ब्रिज बना दिया है जिसे हम कहते हैं मिथाइलिन ब्रिज, मिथाइलिन ब्रिज। तो उससे क्या हुआ कि जो एंटीजन है उसकी शेप स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ गए, जिससे क्या होगा अब ये जो एंटीबॉडी इधर आके अटैच हुई है वो इस एंटीजन के ऊपर आके अटैच नहीं हो पाएगी। जब इस एंटीजन के ऊपर वो आके अटैच नहीं हो पाएगी तो अब उससे क्या होगा, हम जो टिश्यू होगा हमारा उसको हम सही तरह से स्टेन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हमारा रिजल्ट सही तरह से नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम एपिटोप रिट्रीवल में क्या करते हैं, ये जो मिथाइलिन ब्रिज बना है इसको हमने डिस्ट्रॉय करना है या इसको खत्म करना है, ये जो मिथाइलिन ब्रिज है इसको खत्म करेंगे, उससे क्या होगा दोबारा एंटीजन अपनी इस फॉर्म में आ जाएगा, ये वाली जो फॉर्म है, ठीक है। जब इस फॉर्म में आएगा तो अब क्या होगा, अब दोबारा इसके साथ एंटीबॉडी आगे अटैच हो सकती है और ये प्रोसेस हमारा नॉर्मल हो जाएगा। अब जो होता है एंटीजन को, यानी कि जो एपिटोप रिट्रीवल या एंटीजन रिट्रीवल जो होता है, इसके दो मेथड हैं, एक होता है विद द हेल्प ऑफ हीट और दूसरा होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, यानी कि इसको हम दो पार्ट। अब जो इसका रिट्रीवल मेथड होता है वो दो तरह के होंगे, एक को हम कहते हैं HIER, एच मीन हीट, आई मीन इंड्यूस, ई मीन हो गया एपिटोप और मीन रिट्रीवल, यानी कि हीट इंड्यूस्ड एपिटोप रिट्रीवल। इसमें हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट या टेम्परेचर
हम क्या करते हैं ये जो यहाँ पे मिथाइलिन ब्रिज बना है उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं। ये तो यह है एक मेथड। जो दूसरा मेथड होता है उसको हम कहते हैं प्रोटीएज इंड्यूस एपिटोप रिट्रीवल, यानी कि इसमें जो ये विद द हेल्प ऑफ क्या है हीट, ये जो मेथड है, और ये है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी कि इसमें हमने क्या करना है इसमें हीट की मदद से हमने ये जो मिथाइलिन ब्रिज है उसकी ब्रेक डाउन करवानी है, और इसमें हमने क्या करना है एंजाइम की मदद से ये जो ब्रिज है इसकी ब्रेक डाउन करवानी है ताकि ये जो एंटीजन है दोबारा अपनी असल फॉर्म में आ जाए और सही तरह से एंटीबॉडीज के साथ अटैच होगी और रिटेक्शन हो जाए उसकी, यानी कि उसको उसकी स्टेनिंग सही तरह से हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम हीट यूज करेंगे, इसमें एंजाइम यूज करेंगे। अब जो इसमें हीट यूज करते हैं इसको डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं, इसको हम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद इसको हम हाई प्रेशर में भी कर सकते हैं, मतलब उसकी एग्जांपल है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में भी इसको कर सकते हैं ये जो मेथड है। इसके अलावा हम इसको वाटर बाथ में भी कर सकते हैं इस मेथड को। ठीक हो गया, यानी कि जो हीट इंड्यूस है इसमें होगा क्या कि जब हम हीट देंगे काफी टाइम के लिए तो उससे क्या होगा कि ये जो मिथाइलिन ब्रिज होंगे वो हो जाएंगे ब्रेक, यानी कि हीट की वजह से जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो ये दोबारा एंटीजन ठीक हो जाएगा। तो अब हम हीट क्या करेंगे माइक्रोवेव में भी ये कर सकते हैं प्रोसीजर। इसके अलावा हाई प्रेशर में अगर हीट देंगे तो वो क्या होगा प्रेशर कुकर में। इसके अलावा वाटर बाथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव में कैसे करेंगे हम क्या करते हैं 5 से 20 मिनट तक जो हमारा टिश्यू होगा उसको हम बफर में पहले मिक्स करेंगे। ठीक है, तो अब जो होता है हीट इंड्यूस मेथड इसमें बफर का होना भी लाजमी है। ठीक है, जो बफर की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं हीट करते हैं फिर जाके ये होता है ब्रेक डाउन, यानी कि एक टिश्यू है ये वाला टिश्यू है इसमें इस एंटीजन की हमने करनी है इसमें से जो मिथाइल ब्रिज है उसको ब्रेक डाउन करवाना है। तो इसमें हम पहले बफर उस टिश्यू में ऐड करेंगे फिर इसको हीट करेंगे। अब वो बफर कौन कौन से होते हैं वो जो मोस्टली हम यूज करते हैं एक है सिट्रेट बफर जो हम यूज करते हैं, इसके अलावा और दूसरा है फास्फेट बफर सिलाइन PBS फास्फेट बफर सिलाइन इसको भी हम यूज करते हैं, इसके अलावा EDTA इसको भी हम यूज करते हैं, इसके अलावा ट्रिस EDTA इसको भी यूज करते हैं, इसके अलावा ट्रिस HCL इसको भी हम यूज करते हैं एज अ बफर। तो अब इसमें हम करेंगे क्या कि टिश्यू को इस जो टिश्यू जिसकी हमने एंटीजन की रिट्रीवल करनी है या एपिटोप रिट्रीवल करना है उसको इस बफर में मिक्स करेंगे, इनमें से कोई भी बफर हम चूज करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है इस इन मेथड में से किसी भी मेथड से हम उसको हीट करेंगे, यानी कि हमने बफर मतलब एक टिश्यू है ये वाला इसमें हमने एंटीजन की रिट्रीवल करनी है तो हम क्या करेंगे ये हमारे पास हो गया एंटीजन इसमें हमने बफर ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे उसको माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव में कितनी मिनट के लिए रखेंगे 5 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और फिर निकाल देंगे और उससे क्या होगा ये जो ब्रिज होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरह आप प्रेशर कुकर में रखेंगे। ठीक है, इसमें भी हम 10 से तकरीबन 10 मिनट के लिए भी रखते हैं बाद का और 40 मिनट के लिए भी रखते हैं इसको हाई प्रेशर में। ठीक है, इसके अलावा वाटर बाथ में भी हम रख लेते हैं जो हमारा टिश्यू होगा उसको पहले हम क्या करेंगे जो हमारा टिश्यू होगा उसमें बफर इंसर्ट करेंगे और फिर उसको वाटर बाथ जो होगा उसमें रख देंगे और वाटर बाथ का टेम्परेचर होना चाहिए 92 सेंटीग्रेड और इसको हम रखेंगे 20 से 40 मिनट के लिए। जब ये होगा तो उससे क्या होगा ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जो मेथड होता है हीट वाला ये मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है इस पे एंजाइम वाले मेथड पे। क्यों? क्योंकि
ये जो होता है इससे हमारे जो प्रोटीन या एंटीजन जो होते हैं हमारे वो इतने ज्यादा डैमेज नहीं होते, लेकिन जो एंजाइम वाले होते हैं प्रोटीन एंजाइम वो क्या करते हैं हमारे एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रेफर ज्यादा किया जाता है। और स्पेशली जो फ्रोजन सेक्शन होते हैं उनमें पहले तो ये देखा जाता है कि फ्रोजन सेक्शन में की नहीं जाती, ये जो एपिटोप रिट्रीवल है उसको कम से कम यानी कि इतना नहीं किया जाता। अगर तो जरूरत पड़ जाए फिर ये वाला मेथड जो है हीट इंड्यूस वाला ये प्रेफरेंस इसको दी जाती है। ठीक है, और जो एंजाइम वाला मेथड उस वक्त यूज किया जाता है जब बहुत ज्यादा मिथाइलिन ब्रिज बन गए हों, अब उसको ब्रेक डाउन करवाना है तब ये मेथड हम यूज करेंगे एंजाइम वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें हम डिफरेंट एंजाइम इंसर्ट करते हैं वो जो हमारा टिश्यू होगा उसमें, मसलन कौन कौन से एंजाइम है, एक है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम क्या करेगा जब हम इंसर्ट करेंगे तो ये मिथाइल ब्रिज को ब्रेक डाउन करवा देगा। इसके अलावा है एंजाइम प्रोटीनेज के एंजाइम, ठीक है, ये भी क्या करता है मिथाइलिन ब्रिज की ब्रेक डाउन करवा देगा। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है पेप्सिन, ये हमारे स्टमक में भी होता है। ठीक है, तो ये भी क्या करवा देगा मिथाइलिन ब्रिज की ब्रेक डाउन करवा देगा। तो इन दोनों मेथड से क्या होगा, हीट वाले से और एंजाइम वाले से ये मिथाइलिन ब्रिज ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो हमारा जो एंटीजन होगा वो अब फ्री फॉर्म में आ जाएगा यानी कि अपनी असल फॉर्म में आ जाएगा, उससे अब एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन अब दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एपिटोप रिट्रीवल। और एक और बात के जो हीट वाला मेथड होता है ये डिपेंड करता है टाइम पे कि जितनी ज्यादा टाइम देंगे हम उतना अच्छा जो है मिथाइलिन ब्रिज की ब्रेक डाउन होगी। दूसरा होता है कंसंट्रेशन ऑफ बफर कि जितना हाईली कंसंट्रेटेड बफर होगा उसकी क्या होगी सही तरह से उसकी वर्किंग होगी यानी जल्दी से उसकी मिथाइलिन ब्रिज ब्रेक डाउन करवा देगा। और थर्ड वन जो है वो है पीएच, इनमें से हर जो होता है बफर उसकी पीएच डिफरेंट होती है, जैसे कि सिट्रेट बफर है उसकी पीएच 6 होता है यानी 6 पीएच पे ये सही काम करेगा, इस तरह जो पीबीएस बफर है ये 7 पीएच पे सही तरह से काम करता है, इस तरह जो ईडीटी है ये 8 पीएच पे सही काम करता है, इस तरह जो ट्रिस ईडीटी है ये 9 पीएच पे काम करता है। ठीक है, तो यानी कि हर बफर की अलग पीएच होगी, एक ऑप्टिमम पीएच होगी जिस पे वो सही तरह से काम करेगा। तो ये था एपिटोप रिट्रीवल। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बैकग्राउंड सिग्नल होते हैं उसको कैसे डिक्रीज करते हैं यानी ब्लॉकिंग स्टेप, और उसके बाद लास्ट होगा डिटेक्शन स्टेप। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।